हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, एक समस्या से हम निपट जाते हैं, दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी अभी नहीं हम निपट सकते, अभी बस हो गया, सब खत्म हो गया, तो अब उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे ले लेना चाहिए, थोड़ा सा लंबा सांस लेना चाहिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए और फिर से उस समस्या के साथ जूझने का प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति का लंबे काल तक किसी एक विषय के प्रति विरक्ति आ जाता है, तो वह व्यक्ति जो है फिर से समस्याओं में नहीं फंसता। लेकिन अगर हमें आज थोड़ी सी उससे परेशान होकर हम उससे दुखी हो जाते हैं, लेकिन कल फिर से हम उत्साह उत्साही हैं कुछ और करने के लिए, तो ये उसे कहते हैं फल्गु वैराग्य या श्मशान वैराग्य। क्षण भर का जो है एक विरक्ति या क्षण भर का एक मायूसी, कल तक वो मायूसी चली जाएगी और फिर से उन्हीं कार्यों में हम फिर से लगने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए ऐसे ऐसे परिस्थिति में हमें प्रयास करना चाहिए कि एक कदम पीछे, मतलब थोड़ा सा अपने आप को उससे अलग करें, उस विषय वस्तु से अलग करें और थोड़ा सा मन को शांत करें। मन शांत हो जाए उसके बाद फिर से उस विषय वस्तु से जुझने का प्रयास कीजिए या उससे व्यवहार करने का प्रयास कीजिए। अगर पूरी तरह से, लेकिन ये अंततः ये इतना मतलब उलझा हुआ जीवन होता है ना, कि कितने ही उलझनों को आप सुलझाने का प्रयास करेंगे और कितने ही सुलझ पाएंगे, क्योंकि संख्या अनगिनत है, जितने उलझन है उलझनों की संख्या अनगिनत है। तो इसलिए कभी ना कभी पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण होने का प्रयास करना चाहिए। आज दिन में कम से कम, आज के समय में अगर हम भगवान के प्रति दिन का 1 घंटा समर्पित हो रहे हैं, तो शायद 1 साल में ये 1-1 घंटा इकट्ठा होकर हम में इतनी क्षमता ले आएगा कि अगले साल हम शायद 2 घंटा समर्पित हो पाए या 3 घंटा समर्पित हो पाए। और ऐसे ही साल साल प्रति साल जब, या साल दर साल जब निकलते जाएगा, तो शायद आज से 25 साल या 50 साल बाद हम में भगवान को समर्पित करने के लिए 10 घंटे या 12 घंटे की क्षमता हो सकती है।